आज मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है। चाय का समय भी हो चुका है। सोचा गर्मा गर्म चाय हो जाए, पर आज चाय से भी ज्यादा कुछ कुरकुरा नमकीन खाने का मन हो रहा है। रसोई में तो आलू है। आलू तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, हमेशा मेरा साथ देता है, चाहे वो नाश्ते में हो, खाने में हो, चाट्स में हो या मीठे में हो। और तो और व्रत के दौरान भी आलू हमेशा मेरा साथ दिया है, तो आज क्यों नहीं। चलिए आज हम इस आलू से एक बढ़िया कुरकुरे करारे स्नैक्स बनाएंगे, जिसका नाम है आलू पापड़ी या आलू मटरी। नमस्कार दोस्तों, है बास किचन हिंदी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी, 2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 2 बड़े चम्मच सफेद तिल, 2 चम्मच कुटा हुआ कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच नमक और अच्छे से इसे मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच गरम तेल और इसे मिक्स करेंगे। आप तेल के बदले घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम तेल डालने से पापड़ी खस्ता बनेगी। अच्छे से मसलते हुए मिलाएंगे ताकि सारे आटे में तेल अच्छे से मिक्स हो जाए, और अगर आटे को इस तरह बांध देंगे तो ये बन जाए। ये बिल्कुल परफेक्ट मोइन है। अब इसमें 1 कप उबले हुए आलू को घिस कर डालेंगे और अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। आलू को अच्छे से मैश करते हुए आटे में मिलाएंगे। अब इसी तरह आलू के साथ मटर, गोभी या चुकंदर को भी पापड़ी में मिला सकते हैं। आलू आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और आटा गूंदना शुरू करेंगे। हमें सख्त आटा गूंदना है, इसलिए पानी की मात्रा देख कर डाले। आटा थोड़ा सूखा लग रहा है, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और अच्छे से गूंद लेंगे। वैसे तो आलू पापड़ी मैदा से ही बनता है, पर आप चाहो तो गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही बार में ज्यादा पानी ना डालें, वरना आटा ढीला होके पापड़ी खस्ता नहीं बनेगी। मैदा का सख्त आटा बन चुका है। अब आटे से थोड़ा सा लोई लेके इसका गोले बनाएंगे। आटे को गूंदने के तुरंत बाद ही पापड़ी बनाए, वरना आलू पानी छोड़ के आटा गीला हो जाएगा। अब लोई को तेल से चिकना करके हाथों से थोड़ा चपटा करेंगे। अब इसे बेलेंगे। इसे समान रूप में बेलना है, इसे थोड़ा मोटा ही बेले। आप आपके पसंद के हिसाब से पापड़ी को बड़ा या छोटा बेल सकते हैं। अब फोर्क की सहायता से इस तरह छेद करेंगे ताकि तलते वक्त ये फूल ना जाए। अब पापड़ी तलने के लिए तैयार है। अब इसे गरम तेल में एक एक करके डीप फ्राई करेंगे। पापड़ी को धीमी आंच पे ही तलेंगे ताकि ये बिल्कुल खस्ता बने। देखिए पापड़ी ऊपर आ चुकी है। अब नीचे की तरफ हल्का सा तल जाए, इसे पलट के दूसरी तरफ भी तलेंगे। इसे तलने में थोड़ा समय लगेगा, पर हमें इसे धीमी आंच पे ही तलना है। आप पापड़ी को एयरटाइट डिब्बे में भरकर 2 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। जब ये खस्ता और सुनहरा रंग में बदल जाए, इसे हम निकाल लेंगे। ये रहा आलू पापड़ी बिल्कुल तैयार। मेरा चाय भी तैयार है, मैं तो चली पापड़ी खाने में। आप किस बात की इंतजार कर रहे हैं? जल्दी आप ही ट्राई कीजिए, और रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।